यहाँ है हमारे चिंतामणी सर। इनको भी हमने बहुत करीब से जाना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज वीडियो बनाने का एक थोड़ा सा डिफरेंट पर्पस है और एक छोटा सा मीटअप है हमारा। नाम सुनना चाहोगे? चिंतामणि जयपुरी। जो चिंतामणि जयपुरी सर है गाजियाबाद आए हैं, तो जब यार गाजियाबाद आए हैं तो मिलना तो बनता है, और जब मैं मिलने जा ही रहा हूँ तो मैं अकेले क्यों मिलूँ, क्यों ना आप लोगों को भी मिलूँ। तो सीधा चलते हैं यहाँ से चिंतामणि जयपुरी सर के पास में और देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है। और जहाँ तक मेरे को इन्फॉर्मेशन है कि वो बजाज के किसी कोई प्रमोशन टूर पे हैं, तो अगर इस टूर के अंडर में अगर गाजियाबाद सिटी भी आ रही है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मुझसे मिले भी ना चले जाए। तो जस्ट मिलते हैं उनसे, आपसे भी मिलवाते हैं, सीधा मिलते हैं शिवा बजाज पर। पहुँच तो गए हैं, बस ढूंढते हैं कि कहाँ हैं अपने सर। चिंतामणि सर किधर? चिंतामणि सर बस 5 मिनट, 5 मिनट लगेगा उनको आने में, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। यहाँ है हमारे चिंतामणि सर, फाइनली हमारे सर आ चुके हैं। वेलकम सर, वेलकम। बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया सर। हाँ सर, वो सबसे पहला आया इनका यहाँ पर, तो मुझे लगा शायद वहीं है, तो मेरे को कंफर्म हो गया था तो मैं आ गया था सर। बाकी राइड वाइड सब एकदम ओके चल रही है? परफॉर्मेंस एक नंबर। फाइनली सर हमारे यहाँ पर आ चुके हैं, और इनसे मिलके कभी ऐसा लगा ही नहीं मुझे कि मैं कभी किसी अलग उससे मिल रहा हूँ। हमेशा मुझे अपने एक ऐसा फैमिली मेम्बर ही लगे हैं, और मिलने के बाद में एक अलग ही खुशी होती है इनसे। जैसा कि सभी हम आप लोगों का इंतजार करते करते दिल्ली में आने का, दिल्ली के ट्रैफिक का आप लोगों ने एक्सपीरियंस कर ही लिया है ना भाजी। सर ने चिंतामणि सर जो कि लॉन्ग राइड्स करते हैं, और सर के यूट्यूब चैनल्स और बाकी सब पे हम सब लोग देखते हैं, फीडबैक देते हैं। सर के करीब 3.5-4 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है, जिनमें से मैं भी हूँ। बबू पाजी हमारे दिल्ली से बड़ी बड़ी हमारे यूपी के सर चौहान सर, हाँ हमेशा लेट रहे तो पीछे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि संभालना मुझे ही है इसलिए मैं पीछे से आता हूँ। चलो और मुझे पता है अपने यूपी वालों को कैसे संभालना है। पीछे वालों से आवाज नहीं आ रही पाजी, सुना है इधर आपके जाने वाले बहुत है, एक बार आपके आगे बेवाजी में करवाया देखिए। अरे चलो गाजियाबाद पूरे इंडिया के अलग अलग जगह से दिल्ली में लोग रहते हैं, तो इंडिया वालों कैसे हो? उससे पहले मैं जो राइड कर रहा हूँ उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। ये जो ट्रिलॉजी राइड है इसको करने का क्या रीजन है? इंडिया के अलग अलग रीजन में ये राइड हो रही है, जहाँ पे अलग अलग लोग जो है जो चाहते मिल रहे हैं। जैसे हम तीनों भाई यूपी कवर करके आए हैं। एक कहावत है कि यूपी फैला हुआ है गाजीपुर से गाजियाबाद तक। फिर हम पहुंचे तो गोरखपुर, फिर लखनऊ, आगरा, और आज हम अपने प्यारे इतने सारे चेहरे जो दिख रहे हैं उनके बीच में हम तीनों ही भाई खड़े हुए हैं। एकदम बढ़िया दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है चिंतामणि जयपुरी, रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, और अभी दिल्ली प्रवेश करते हुए यूपी प्रवेश करते हुए सर ने ट्रैफिक की बात करी। असली ट्रैफिक तो वाराणसी में देखने को मिला था हम लोग को, वहाँ पता चला कि सिर्फ कारों के लिए, टू व्हीलर्स के लिए जब हम लोग पैदल चलते हैं तो पैदल में भी वहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो अब आगे पहले महसूस कर रहा हूँ कि आज मैं आप लोगों के बीच हूँ, तो थैंक यू वेरी मच इतनी गर्मी में यहाँ पे आके हमारा सम्मान बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच भाई। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय निकाल दिया हमें मिलने आए। हल्का सा भी कोई डाउट नहीं, इनिशियल पिकअप टॉप एंड मिड इनिशियल को आप फिर लीजिए एकदम। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने हर एक ट्रेन पे बाइक को डिसाइड किया है, तो माइलेज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बाइक को लेकर? क्योंकि बहुत से लोग, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक ख्याल जरूर रहता है माइलेज को लेकर, तो इसके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि माइलेज भी बोल रही है। जो हमने अपना नेशनल हाईवे जो हमने आगरा से भी ज्यादा एनर्जी यहाँ देखते हो।
फोटो का पूरा अरेंजमेंट सब लोग सेटअप होते हुए यहाँ पर। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. तो सर की ऑफिशियल बाइक तो गई, लेकिन एक बाइक और आ गई, तो उसका जस्ट एक टेस्ट राइड लेकर आ रहे हैं सर। बहुत बड़ी बात है भाई कि अपने एक और प्रेम करूं। बहुत स्वीट और मतलब एक तीसरी बाइक कहाँ है? चिंतामणि जी चिंता करते हुए मेरे को इस बाइक पे लॉन्ग राइड सब मिलेगी। अरे सर लेकिन इसकी आवाज मुझे कुछ जाने पहचानी लग रही है। अरे तो सेम इंजन है ना, आपके में सेम है, एकदम सेम इंजन है, आप सेम है। बाइक का साउंड सुन के मुझे अपनी ऑप्टिमस प्राइम की याद आ गई। ऑप्टिमस प्राइम का बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही बिल्कुल आवाज़ है उसका भी। तो देखते हैं सर एक टेस्ट साइड लेकर आ रहे हैं अभी। वही डर होता है, मस्त है बहुत। इस पे रंबल स्ट्रिप पता ही नहीं चलती कि कब आपके नीचे से निकल गई है। नहीं मैं से चलाऊंगा नहीं, वैसे चलाने की हिम्मत नहीं करूंगा। तो दो लोग ने टेस्ट राइड ली, दोनों ही कराई, एक मेरे जो साढ़ू भाई उन्होंने। मैं देख के समझ गया क्योंकि मैं बहुत एक हाइट का एक इशू था, मेरे से कंट्रोल नहीं था हाइट नीचे चलाने में, बहुत दिक्कत आती है। हाइट एडजस्टेबल है क्या? सेम वही है, टीवीएस सेम टीवीएस है। वही BMW की याद आ गई यार। वो कहते हैं ना ये इंजन की वजह से बाइक उठ गई है BMW के। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बल्की है और सीरियसली मेरे को तो बैठने के साथ ही डर लग गया। मतलब मेरे को वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आया इसको लेके कि मैं इसको एक टेस्ट राइड भी लेके आऊँ, बहुत ज़्यादा हैवी है। तो फाइनली सर के साथ में मीटअप एकदम अच्छा रहा और सर अभी हमारे साथ भी हैं। हेलो कैसे हो भाई लोग? अभी भाई केदारनाथ से है, व्लॉग्स वगैरह में देख रहा हूँ, बड़ा ही मजा आ रहा है। नेक्स्ट राइड कहाँ की होने वाली? नेक्स्ट राइड जहाँ तक है अगस्त में होगी, या तो बद्रीनाथ या कुछ मेरे साथ भी प्लान करो सर। सर ये मेरा ड्रीम कम्स ट्रू हो जाएगा कि अगर सर के साथ मेरा कुछ प्लान होगा तो। और मयंक भाई के बारे में क्या बताऊँ, पिछली बार हम लोग राजस्थान में मिले थे, मंडावा आए थे, ये अपनी कटी हुई उंगली लेके दिखा दो और ऐसे ही मैं क्लच दबाते हुए आया था। तब से मेरा ये दिल जीत लिया और मेरे हार्ट में एक स्पेशल कॉर्नर बन गया आपके लिए। और हार्ट तो आर्ट मेरे घर में जो पूजा रूम है वहाँ पे भी एक स्पेशल कॉर्नर है। इन्होंने गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति दी थी, तो हम लोग रोज अगरबत्ती जलाते, रोज आपको याद करते। एक और मिलेगी सर ऑफिस के लिए। वीडियो यहाँ तक देख लो, लाइक करके जाना। और भाई इतना मस्त मेहनत कर रहे हैं, नए नए वीडियोज बढ़िया बना रहे हैं, तो सपोर्ट करिएगा, प्यार बना के रखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट राइड में। बिल्कुल सर बिल्कुल, और जैसा आप सपोर्ट मेरे साथ रखे हुए हैं सर के साथ भी वैसे ही सपोर्ट रखिएगा, क्योंकि एट द एंड मेरे जो इंस्पायरेशनल बडीज बोल सकते हो या फिर आइडल्स बोल सकते हो वो यही हैं। क्या बात, थैंक यू सो मच। इन्हीं को देख के मैंने बहुत सम्मान देने के लिए, थैंक यू। एक्चुअल में डिजर्व करते हैं। चलो अपन फिर मिलते हैं। सर के साथ मिलकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और लाइटिंग का थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे ऊपर, तो व्लॉग को जस्ट यहीं एंड करते हैं। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए, मज़े लेते रहिए मेरी तरह। और मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।